नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, इस समय काफी ऐसी न्यूज आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि यूएसए ऑलरेडी रिसेशन में है, और कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अभी रिसेशन में नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में एक रिसेशन प्रिडिक्ट किया जा रहा है यूएसए के अंदर। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इस समय 5 में से 3 अमेरिकन का ऐसा मानना है कि यूएसए ऑलरेडी रिसेशन में है, और कई एनालिस्ट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस साल के एंड या फिर अगले साल की बिगनिंग तक यूएसए रिसेशन में आ जाएगा। तो यहाँ एक सवाल आपके मन में जाए जा रहा होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं रिसेशन में है, कुछ लोग कह रहे हैं रिसेशन में आ जाएगा, इसका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है क्या, या कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है क्या जिसके बेसिस करके हम लोग कह सके कि ये कंट्री इस समय रिसेशन में है। देखो, बिल्कुल ऐसा ही है, रिसेशन की कोई क्लियर डेफिनेशन या इंडिकेटर नहीं है। ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि किसी भी कंट्री जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 2 क्वार्टर तक अगर नेगेटिव में चली गई तो उसको हम लोग रिसेशन कहते हैं। लेकिन कई लोग इसको मानते हैं, कई लोग इसको कहते हैं कि नहीं, सिर्फ इतना इनफ नहीं है ये कहने के लिए कि कंट्री जो है ऑलरेडी रिसेशन में है। जनरली किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव ट्रेंड में आती है तो सबसे पहले क्या होता है कि इसकी जो ग्रोथ रेट होती है वो स्लो होता है। यानी कोई कंट्री पिछले साल 7% से ग्रो की और अगर उसमें जो नेगेटिव ट्रेंड शुरू होगा उस कंट्री के जीडीपी में तो इस साल वो सिर्फ 5% से ग्रो करेगी, यानी 2% कम से ग्रो कर रहेगी। तो ग्रो अभी भी कर रही है लेकिन ग्रोथ का जो रेट है वो कम हो गया। इस पहले केस को हम लोग कहते हैं स्लो डाउन। इसके बाद क्या होता है कि ये जो ग्रोथ रेट है 7 से 5 ना होके सीधे नेगेटिव में हो गया। यानी पिछले साल ये 7% से ग्रो कर रही थी और इस साल ये -1% से ग्रो कर रही है, तो इसमें जो ग्रोथ वर्ड है वो हट जाएगा और इसको कहेंगे हम लोग ये डिक्लाइन कर रही है। फिर तीसरा केस क्या होता है कि यही चीज जब लगातार 6 महीने तक होने लगे, यानी कि 2 क्वार्टर तक किसी देश की जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाए तो उसको हम लोग रिसेशन कहते हैं। और ये चीज कोई फिक्स नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कई लोग इसको नहीं भी मानते हैं। इसके बाद क्या होता है कि यही जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है ये कई सालों तक जब शो होने लगता 8-10 सालों तक जब यही चीज चलती है, कंट्री की जो है जीडीपी जो है वो हर साल नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये डिप्रेशन है। 1920 और 1930s का ग्रेट डिप्रेशन आप सबको याद ही होगा, जिसने लगभग सारी ओपन इकोनॉमी को अपने अंडर ले लिया था, तो वो चीज होता है एक्सट्रीम केस, उसको डिप्रेशन कहा जाता है। नाउ यूएसए का जो जीडीपी का ग्राफ है वो अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है ऑलरेडी पिछले 2 क्वार्टर से नेगेटिव ग्रोथ रेट शो कर चुकी है। टेक्निकली तो ये ऑलरेडी रिसेशन में है, लेकिन कई एनालिस्ट ऐसे हैं जिनका कहना है कि सिर्फ ये नहीं बल्कि और भी फैक्टर्स हैं जिनको मेजर करना चाहिए, जिनको नोटिस करना चाहिए ये देखने के लिए कि कोई कंट्री रिसेशन में है या फिर आने वाली है कि नहीं। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, करेंसी का परफॉर्मेंस हो गया, और भी इस तरह के फैक्टर्स जो हो गए। ग्लोबलाइजेशन के इस टाइम में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी यूएसए में रिसेशन से इम्यून रह सके, यानी उस पर कोई असर ना पड़े यूएसए का रिसेशन का। इंडिया में भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी यूएसए में रिसेशन आता है तो इंडिया की इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है, और पिछली बार से जो इंडिया की इकोनॉमी है वो भी इस समय बढ़ चुकी है, तो इस बार कहा जा रहा है कि यूएसए का जो रिसेशन होगा उसका असर भी इंडिया की इकोनॉमी पे ज्यादा होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो रिसेशन वाला क्लेम है कि रिसेशन में है यूएस की इकोनॉमी या फिर आने वाली है, इसमें वाकई दम है या नहीं है, और इंडिया पे इसका क्या असर हो सकता है फ्यूचर में। प्लस इन सब चीजों का कारण और एक जो वर्ड आ रहा है यील्ड कर्व वो क्या होता है, ये सब आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, बस एंड तक बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। स्टीव हॉनके एक प्रोफेसर हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के। इनने रिसेंटली सीएनबीसी को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें ये कहा था कि जो प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है यूएसए की कि आने वाले टाइम में 50% प्रोबेबिलिटी है कि यूएसए में रिसेशन आएगा, ये प्रोबेबिलिटी गलत है। इनका कहना था कि 50 नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी 80% है कि यूएसए आने वाले टाइम में एक रिसेशन फेस करेगा। अब हुआ क्या है कि 2020 में हम सबको पता है कि कोरोना की जो असली जो शुरुआत थी वो 2020 के शुरुआत में ही हुई थी, इसी के बाद से लार्ज स्केल कोरोना का जो स्प्रेड है वो होना शुरू हुआ था। तो जितनी भी कंट्रीज थी उनके साथ में बहुत से चैलेंजेस थे, और एक चैलेंजेस जो उनकी इकोनॉमी थी वो भी थी। तो सबको पता लग गया था कि आने वाले टाइम में कोरोना का असर पड़ेगा इकोनॉमी पे भी, जिससे इकोनॉमी जो है कंट्री की वो वीक होगी और इसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम होगी। तो इसी चीज से डील करने के लिए यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है इसने अपना इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम कर दिया था, यूएस की इकोनॉमी को पूरा फ्लडेड कर दिया था डॉलर से। अब हुआ क्या कि ये पैसा जब मार्केट में आया और लोगों ने लोन लेना शुरू किया कम
इंटरेस्ट की वजह से, तो जो उनकी डिमांड है वो बढ़ गई। डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उन प्रोडक्ट्स के प्राइस भी बढ़ेंगे, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट है। तो इससे हुआ क्या कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा कोविड के टाइम पे, और यही होता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी में। जब क्या होता है कि जो आरबीआई होती है यानी सेंट्रल बैंक होती है, इंडिया के केस में आरबीआई हो गई, यूएस के केस में फेड रिजर्व हो गया, ये जब अपना इंटरेस्ट रेट कम करती हैं तो लोन जो है वो सस्ता हो जाता है, और वही लोन लेके लोग खर्चा करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से कंट्री की जो ग्रोथ है, जीडीपी जो है वो तो बढ़ती है लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर था वो ये कि जो कोविड की वजह से या फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सप्लाई चेन होती थी उसका बहुत ज्यादा डिसरप्शन हुआ, जिसकी वजह से जो नॉर्मल प्रोडक्ट था उनकी जो प्राइस है वो भी बढ़ गए, और उसने भी कंट्रीब्यूट किया कंट्री के इन्फ्लेशन में। इन्हीं सब रीजन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ के जून 2022 तक 9.1% तक हो गया था यूएसए में। और फिर जब इतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा तो इसकी वजह से डर के फेड रिजर्व ने इसे कंट्रोल करने के लिए मार्च से क्या किया, अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी। और कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी में क्या होता है, आपको पता ही होगा, इन्फ्लेशन जो है वो कम होती है कंट्री में लेकिन जो उसकी ग्रोथ रेट होती है जीडीपी की वो भी कम हो जाती है। इसीलिए यूएसए की जो ग्रोथ रेट है वो भी कम होने लगी, और कम होते होते ये आप देखने को मिला कि इस साल के जो पहले क्वार्टर था जनवरी फरवरी मार्च का, उसमें -1.6% ग्रोथ रेट थी यूएसए की, और जो दूसरा क्वार्टर था अप्रैल मई जून वाला उसमें 0.6% ग्रोथ रेट थी। टेक्निकली तो ये कहा जा सकता है कि यूएसए जो है वो ऑलरेडी रिसेशन में है, क्योंकि दो क्वार्टर तक इसने नेगेटिव ग्रोथ रेट शो की है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, कई एनालिस्ट जो है उनका कहना होता है कि सिर्फ ये चीज इनफ नहीं है ये कह देने के लिए कि कोई कंट्री रिसेशन में है, और भी फैक्टर्स जो है उनको एनालाइज करना पड़ेगा, जिसके बाद ये कहा जा सकेगा कि कंट्री जो है वो रिसेशन के अंदर है या फिर आने वाली है। तो इसी बेसिस पे कुछ लोग अभी ये कह रहे हैं कि अभी यूएसए के अंदर रिसेशन नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में, या तो इस साल के एंड में या फिर जो नेक्स्ट ईयर होगा उसके शुरुआत में, हम लोग देखेंगे कि यूएस में जो रिसेशन है वो नॉर्मल रिसेशन नहीं, एक सीवियर रिसेशन देखने को मिलेगा। नाउ सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए कि ये फिर कैसे लोग बता दे रहे हैं, ये 4-5 महीने की प्रिडिक्शन कैसे लोग पहले कर दे रहे हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा है बॉन्ड कर्व का। नाउ ये बॉन्ड कर्व होता क्या है ये मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ अच्छे से। सबसे पहले देखो क्या होता है ना कि गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है। वो बॉन्ड पे परसेंटेज लिख के देती है कि हर साल हम आपको इस पे इतना इंटरेस्ट देंगे, और उस बॉन्ड पे मैच्योरिटी लिख के देती है, यानी 5 साल की इस बॉन्ड की मैच्योरिटी है। इसका क्या मतलब है कि 5 साल बाद आप जितने रुपए का बॉन्ड खरीदोगे वो पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा, और हर साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो तो खैर अलग से मिलेगा ही। गवर्नमेंट ये बॉन्ड डायरेक्टली लोगों को नहीं बेचती, गवर्नमेंट ये बॉन्ड बेच देती है जो बैंक्स होते हैं उनको, और फिर बैंक्स के थ्रू जो आम आदमी होते हैं वो इस बॉन्ड को खरीद पाते हैं। मान लो गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए उठाना है मार्केट से, 1 लाख बहुत छोटी रकम है लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, तो वो क्या करेगी, 100-100 रुपए के 1000 बॉन्ड्स इशू कर देगी, और ये बेच देगी जो बैंक्स है, मान लीजिए HDFC बैंक्स या कोई और बैंक मान लीजिए, उसको बेच देते। HDFC फिर ये जो बॉन्ड्स है इसको बेचता है आगे लोगों को, और यहाँ पर फिर जो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो इन्फ्लुएंस करना शुरू करता है बॉन्ड मार्केट को। क्या होता है कि HDFC देखेगा कि इस बॉन्ड की जो डिमांड है वो ज्यादा नहीं है मार्केट में, तो वो क्या कहेगा कि ये जो 100 रुपए का बॉन्ड है या आप मुझसे 80 रुपए में ही ले लो। अब इस प्राइस के चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि जो बॉन्ड का यील्ड है वो चेंज हो गया, यानी जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट था उस पर्सन के लिए जो बैंक से ये बॉन्ड खरीदेगा वो बढ़ गया। कैसे, कि जो गवर्नमेंट है उसने तो ये प्रॉमिस ही किया है कि ये जो 100 रुपए का आपका बॉन्ड है इस पे हम लोग आपको हर साल 5% एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट देंगे, यानी 100 रुपए अगर आप हमको देते हो तो हर साल आपको 5 रुपए मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में। लेकिन आपने जो ये बॉन्ड है ये कितने रुपए में खरीदा, ये खरीदा आपने 80 रुपए में बैंक से, 5 रुपए 80 रुपए का कितना परसेंट हुआ, ये डेफिनेटली 5% से तो ज्यादा ही हुआ, 6.25% हुआ एग्जैक्टली। ये आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो होगा जो आपको मिलेगा बॉन्ड पे आपके अकॉर्डिंग, इसको कहते हैं बॉन्ड यील्ड। तो इंटरेस्ट रेट अलग हो गया और बॉन्ड यील्ड अलग हो गया। बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं पहले भी आपको कई वीडियो में समझा चुका हूँ, यहाँ भी मैंने एक बार फिर से बता दिया है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी है। अब होता क्या है कि एक टाइम पे जो गवर्नमेंट है उसके बहुत तरह के बॉन्ड मार्केट में होते हैं, यानी बैंक के पास होते हैं, जो अलग अलग मैच्योरिटी टाइम के होते हैं, यानी बैंक के पास वो बॉन्ड्स भी होंगे जो अगले 3 साल में मैच्योर होने वाले होंगे, वो भी होंगे जो 5 साल में मैच्योर होंगे, और वो भी होंगे जो 10 साल 20 साल 30 साल में मैच्योर होने,
वाले होंगे। आपको जितना लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है आप उतना जाके वहां से कर सकते हो। और नॉर्मली होता क्या है कि जो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स होते हैं उसमें जो यील्ड्स होता है वो ज्यादा होता है शॉर्ट टर्म बॉन्ड के कंपैरिजन में। इस चीज को हम लोग जब ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। जैसे जैसे जो मैच्योरिटी का टाइम पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे जो यील्ड रेट आपको मिलना है बॉन्ड पे वो बढ़ता है। यहाँ एक्स एक्सिस पे है बॉन्ड की मैच्योरिटी का टाइम और वाई एक्सिस पे है कितना यील्ड आपको मिलेगा वो परसेंटेज में। इसी चीज को कहते हैं यील्ड कर्व। अब इससे होता क्या है कि ये जो यील्ड कर्व है ये नॉर्मल यील्ड कर्व होना चाहिए जो वो है। अब यही यील्ड कर्व जब इन्वर्ट होने लगता है यानी ठीक इसका अपोजिट होने लगता है, इसका मिरर इमेज होने लगता है, तब ऐसा कहा जाता है कि आने वाले टाइम में एक रिसेशन आने के चांसेस है। और ऐसा क्यों, ये बहुत आसान है समझना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म का जो बॉन्ड है उसका जो यील्ड रेट है वो कम है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हुआ कि जो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड है उसके प्राइस ज्यादा है। बॉन्ड यील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो जो यील्ड होता है और जो प्राइस होता है ये दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप होता है आपस में। अब प्राइस ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि जो बैंक है उसने प्राइस बढ़ाया है इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है डिमांड ज्यादा होगी उस बॉन्ड की। और डिमांड ज्यादा है लॉन्ग टर्म बॉन्ड की इसका मतलब ये है कि लोगों को जो इकोनॉमी है उसमें शॉर्ट टर्म में लोगों को भरोसा नहीं रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में लोगों को भरोसा है। तो इसलिए इसको एक इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है कि शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी में कुछ गलत होने वाला है, रिसेशन आने वाला है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड कर्व है उसका इन्वर्जन देखने को मिला है। और ये कोई मामूली इंडिकेटर नहीं है रिसेशन का। कई एनालिस्ट ऐसे हैं जिनका मानना है कि रिसेशन प्रिडिक्ट करने के लिए बॉन्ड कर्व बेस्ट इंडिकेटर है और ये 18 महीने पहले भी बता सकता है कि आने वाले टाइम में रिसेशन आ सकता है। ये था पूरा बॉन्ड कर्व। अब इसके अलावा ये जानना जरूरी है कि इसका इंडिया की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ सकता है और कैसे असर पड़ सकता है। देखो क्या है ना कि इंडिया का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है वो यूएसए ही है, यानी इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर किसी कंट्री को करता है तो वो है यूएसए। अब यूएसए में रिसेशन आने का मतलब है कि वहां के लोगों में परचेजिंग पावर है उसकी कमी देखी जाएगी, यानी वहां पर डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट जाता है उसमें भी हम लोग को कमी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट रिवेन्यू कम होगा। इसके अलावा ये रिसेशन आ क्यों रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की वजह से आ रहा है। यानी जो फेडरल बैंक है यूएसए का, जो सेंट्रल बैंक है यूएसए का, उसने क्या किया है, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, जिसकी वजह से ये रिसेशन को प्रिडिक्ट किया जा रहा है। अब यूएसए ने जो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है उसकी वजह से क्या हुआ है कि उसकी जो करेंसी है वो स्ट्रांग होने लगी है और उसने ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाया ही इसलिए है ताकि उसके इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो कम हो सके। इन्फ्लेशन कम होने का मतलब है कि करेंसी को स्ट्रांग बनाना। अब इससे होगा क्या कि ज्यादातर इंडिया में जो इंपोर्ट होता है वो होता है डॉलर में और डॉलर का स्ट्रांग होने का मतलब है कि इसके कंपैरिजन में इंडिया की जो करेंसी है रूपी उसका वीक होना। यानी अब हम लोग को सेम डॉलर के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और इसका इस्तेमाल करके हम लोग ट्रेड करेंगे तो जो इम्पोर्ट कॉस्ट है हमारी वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा यूएसए की इकोनॉमी का डाउन जाने का मतलब है कि इंडिया के आईटी सेक्टर पे बहुत बड़ा असर पड़ना, क्योंकि कई ऐसी कंपनीज है इंडिया की और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया की उनका जो ज्यादातर बिजनेस है वो यूएसए में ही है, जैसे कि टीसीएस हो गई, इंफोसिस हो गई, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इनका 50% एक्सपोजर यूएसए में ही है और ज्यादातर बिजनेस इनका डॉलर में ही होता है। तो इस पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडिया की जो जीडीपी है उस पे भी असर पड़ेगा। तो ये था पूरा वीडियो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।